हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बज रहा है 8:30 नहीं हुआ है, 8:15 हुआ है और मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगाने। इसका बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी, अंदर से तृप्ति तृप्ति हो रही है। क्यों ऐसे? तो मैं डर के 2-3 बार लौट के आ गई हूँ, पर पता नहीं इस बार लग ही जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज क्रॉस फॉर मी। वो 4 बजे से नींद खुल गई, अच्छे से तो लगेगा ना, दो तो नहीं होगा। 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि डर की मारे से। आपको लग रहा होगा मैं डर क्यों रही हूँ इस तरह, इतना मतलब किस किस को डर होता है यार, क्या तो करें। इनबॉर्न है ना, कि क्या कर सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते ना। डर तो सबको लगता है, कोई बात नहीं, गला सबका सूखता है, हम माउंटेन डियो पी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रॉस कीजिए फ्रेंड्स और मैं जाके लौट के जल्दी से आ जाऊँ। मेरी तरह जिसने वैक्सीन देने में डरते हो, मैं आने के बाद बताती हूँ मतलब डर लगता है कि नहीं, दुखता है कि नहीं, पेन, आई एम वेटिंग फॉर दैट, पेन होता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, लग ही जाएगा मुझे आज। बाय 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 बाय। दे दो, मेरा हेलमेट दे दो। ओह, दिस हेलमेट इज रियली कंफर्टेबल, मस्त। ये रहा, ये खा रहा है अभी, जल्दी उठ गया आज। हाँ, जल्दी उठा दिए। आज भी हमने वैक्सीन नहीं लगा पाए क्योंकि जहाँ पे बुक किए थे वहाँ पे सब स्लॉट खत्म हो गया है और फिर आएगा कल, तो पता नहीं हम कब आएंगे और लगाएंगे। इसके लिए आ गए हैं डी मार्ट। डी मार्ट हम आए हुए हैं। चलो, कुछ काम तो नहीं हो पाया अभी। 9 बजे तक कौन सा दुकान खुला होगा, सिर्फ डी मार्ट ही खुली होगी, इसलिए आए हैं। चलो कुछ मार्केटिंग वगैरह करके चलते हैं। इसीलिए मेरा वैक्सीन लेने का योग ही नहीं बन रहा है, क्या करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, करीबन 1.5 साल के बाद मुझे मौका मिला आज पहली बार डीमार्ट आने के लिए, क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मैं बाहर नहीं आ रही हूँ। बाहर से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ग्रोसरी वगैरह हम ऑनलाइन मंगा ही लेते हैं। सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए हस्बैंड कभी कभी जाते हैं, मतलब वीकली जाते हैं लेने के लिए, हम नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, तो हम जाएंगे तो बच्चों को भी मन करेगा जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, इमली कितना अच्छे से मिलता है, और इन लोगों का इमली बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं सांभर रसम वगैरह में, तो अच्छे से इमली जो है देखते ही मन करता है लेने के लिए। हम ज्यादा तो यूज नहीं करते हैं, सांभर कभी कभी बनाते हैं, तो आते ही मुझे वो इमली इतना पसंद आता है कि मैं ले ही जाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे हैं और सस्ता दाम में मिलता है यहाँ पे डीमार्ट में। तो शैम्पू वगैरह की भी बहुत सारे वेरायटी अभी बाय वन गेट वन है। यहाँ की ये डीमार्ट का ये है कि फायदा है कि बाय वन गेट वन हो तो दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, एक ले तो एक हाफ रेट में मिल जाता है। जैसे कुछ छोटा मोटा सामान रह जाता है तो हम ये जो है, मेरा कोलगेट खत्म हो गया था तो याद करके मैंने ले ली हूँ। जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो अभी अभी 9:00 हुआ है तो इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। जैसे कि आपको पता है डीमार्ट में इतना सस्ते में सामान मिलता है और इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि शाम को आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जो काम आपको आधा घंटे में हो जाएगा उसमें 2 घंटा लगता है। इसीलिए जब भी हम डीमार्ट आते हैं सुबह आ ही जाते हैं, करीबन 9 बजे खुलता है तो तुरंत हम 9-9:30 बजे आ जाते हैं। और जब भी कभी भी हस्बैंड आते हैं तो वही टाइम में भी आ जाते हैं लेने के लिए सामान, क्योंकि उसी टाइम पूरा थोड़ा भीड़ कम रहता है और लोग भी कम रहते हैं। शाम का टाइम आओ तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है सामान लेने में भी और बिलिंग करने में भी। तो देखिए, यहाँ पे जो छोटा छोटा कप है, कांच का कप, घर में कितना भी कप रहे क्या भी हो, हम जब देखते हैं तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। कांच का कप जो है मुझे बहुत पसंद आया, जो 49 रुपीज में था, और जूस का कप भी 49 रुपीज में था बड़ा बड़ा, तो छोटा छोटा कप मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने 2 ले ली हूँ चाय के लिए। और ये देखिए, और कुल्हाड़ वगैरह सब कुछ है और बहुत सारे वेराइटी में कटोरी, और ये मिलता है कि चटनी वगैरह सर्व करने के लिए छोटा छोटा, और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह सर्व करने के लिए बड़ा बड़ा भी कटोरी मिलता है।
बहुत सारा वेराइट होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है आके देखने में। लो ना लो पर 1 घंटा लग जाता है पूरा देखने के लिए। तो चलिए, बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गया है। ये दोनों तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है, जो 39 रुपीज का है, तो मैं लेकर जाऊंगी। और ये दोनों कप जो है बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ जूस के लिए। यहाँ पे जो स्टेशनरी है ना, वो जो कोरोना हुआ था, जब शटडाउन लॉकडाउन हुआ था, तब ये साइट का पूरा बंद था। सिर्फ ग्रोसरी का जो साइट होता है ना, वो सब खुला था, ये साइट पूरा बंद था। अभी खुल गया है, लॉकडाउन के बाद खुल गया है। हम इस बार आके देख रहे हैं कि खुला हुआ है। लास्ट टाइम जब हस्बैंड आए थे लास्ट मंथ शॉपिंग करने के लिए, तभी देखे थे कि सिर्फ ग्रोसरी का साइड जो है खुला हुआ था। ये साइड जो स्टेशनरी वगैरह बच्चों के लिए बहुत सारा वेराइट मिल जाता है, जैसे कि स्टिकर वगैरह, गॉम्स, पेंसिल, पेन, बुक्स, सब कुछ मिलता है। सीजर उन लोगों के लिए, कटिंग पेपर, क्लिप, सब कुछ मिलता है। तो ये सब सेक्शन बंद था पूरा, और अभी खुल गया है। आप चाहो तो आके कुछ भी ले सकते हो। और ये बॉल्स जो है, मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए लेने के लिए, बेटा के लिए। पर सोचने में क्या होगा, मैं यहाँ से बॉल नहीं लूंगी, क्योंकि वैक्सीन लेने के लिए बैग तो कोई लेकर आता नहीं है। हमारा वैक्सीन का काम नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे शॉपिंग कर लिए। तो शॉपिंग जितना किए हैं उतना 2 बैग हो जाएगा। चलो पहले देखते हैं बैग मिलता है कि नहीं। तो बैग यहाँ पे मिल जाता है, और 39 रुपीज का है, सॉरी 29 रुपीज का है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, लग रहा है। तो मैंने बैग ले लिया है। चलो, 2 बैग में जितना सामान है उतना आ जाएगा, बॉल बाद में देखेंगे। और आते ही बेटा ने मुंह फुला दिया था कि बॉल क्यों नहीं लेकर आया, दूध दही वगैरह ले लेते। तो जब तक ये बिलिंग कर रहे हैं, हम थोड़ा और घूम के आ जाते हैं देख के। तो हस्बैंड चले गए हैं बिलिंग के लिए, और बिलिंग में थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा। तो मैं आ गई हूँ ये ट्रॉली देखने के लिए। देखिए, ये यहाँ पे बिक रहे हैं कुछ 799 का। आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और मैट्स वगैरह सब कुछ अभी नया नया आया है, बहुत सारे वेरायटी में, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और सिर्फ डोर कॉटन और विंडो कॉटन भी बहुत ही अच्छा था यार। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ जब आऊंगी दिवाली शॉपिंग के लिए, तो लेकर जाऊंगी। क्योंकि देखिए कितना अच्छा सा एक डोर मैट और विंडो मैट कॉटन है, सॉरी विंडो कॉटन है। बहुत ही ज्यादा ग्लिटर टाइप का था, और अच्छा भी लगा। रेट भी ज्यादा नहीं है, 499 और 399, ऐसे कुछ 599 में। मटेरियल बहुत ही अच्छा था। तो मैं ये सेक्शन आई हूँ लेने के लिए। ढोकला स्टैंड, इडली स्टैंड तो हमको मिल जाता है, पर ढोकला स्टैंड सेपरेट लेना पड़ता है, इसलिए मैं लेकर लेने के लिए आई हूँ। देखती हूँ है कि नहीं है। और ये जो छोटा छोटा कटोरी वगैरह ना, हमको देखते ही, मतलब गृहिणी जब देखते हैं ना, कुछ कटोरी सामान खाने पीने का, जो चीज बनाने का चीज, सब तब ले ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आते ही मुझे याद आ गया कि स्क्रॉच ब्रेड जो है खत्म हो गया है, यहाँ से लेकर जाऊंगी। तो आ गई हूँ लेने के लिए। तो डीमार्ट से क्या होता है कि इतना सारे चीज रहता है ना, सारे वेराइट के, घर के जो काम का चीज, छोटा मोटा सब कुछ वेराइट का रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और देखते देखते हम ले ही लेते हैं। बच्चों के टिफिन वगैरह आजकल तो काम में नहीं आता है, जो टिफिन है वो घर में पड़ा हुआ है, स्कूल नहीं जाते हैं, तो टिफिन वगैरह का शॉपिंग अभी नहीं करते हम। नहीं तो बैग, टिफिन और पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड सब लेकर जाते हैं। हर साल तो बच्चे तोड़ ही जाते हैं, देते हैं, तो हर साल सब कुछ लेना पड़ता है। मार्केटिंग, अभी टीका लेने के लिए जाएंगे। अब हम घर आ गए हैं, और मैं सोच रही हूँ आज गुड को प्रैंक करूंगी कि मैंने वैक्सीन ले लिया है और हाथ में बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं उसके पापा ने बोल दिए होंगे कि नहीं होंगे, पर आ गई है। हो गया। अच्छा था वैक्सीनेशन, बहुत ही अच्छा था। मैं सोची डर लग रहा था, पर बिल्कुल भी डर नहीं लगा, अच्छे से हो गया। इधर हुआ कि उधर हुआ? इधर। उखार उखार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आएगा भी नहीं। कितना बड़ा था? इतना बड़ा
आशा था इतना बड़ा ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ही लग गया पुश की कर दिया लेडीज या जेंट्स लेडीज लेडीज तो चलो लेकर आओ हाँ, हाथ दर्द कर रहा है ना तुम ही भर के ले जाओ हाँ हेल्प करो हाँ? इनको वो इसको क्या हुआ अभी ये क्या बोल रही थी ये नहीं आएगा क्या फीवर हाँ फीवर नहीं आएगा बोला उन्होंने बोलो बोलो उन्होंने बोल दिया है कि फीवर बिल्कुल भी नहीं आएगा इट डिपेंड्स ऑन बॉडी और लाइक दैट नहीं नहीं मैंने ऐसे ही लगाया कि बिल्कुल भी फीवर ही नहीं आएगा इस तरह थोड़ा कॉस्टली था पर गॉड सच अ बिग पैकेट गुड़ू मतलब प्याज और वो कुछ भी पकड़ने नहीं दिया मम्मा का हाथ दर्द कर रहा है अगर देखना चाहती है वो गुड़ू आ जाओ मैंने कहाँ पे लिया देखने के लिए क्या बोलती है देखिए अब खाना तो बना पाओगे ना हाँ अभी तक तो बना दिया अभी तक तो मतलब खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी तक तो बना दोगे बाल का पता नहीं नहीं तुमको क्या लगता है फीवर आएगा कि नहीं है मुझे तो 100% लगता है मम्मी को बॉडी टाइप ही ऐसा है जीन्स ऐसा ही है इसका क्लास का टाइम हो गया था वो तुरंत चली गई थी और मैं आके नहावा गई और किधर लगाया दिखाओ और ये आ गई है देखने के लिए मम्मी को किधर लगी है इंजेक्शन ये चेक करो कहाँ पे इधर भी लाल हुआ है इधर भी लाल हुआ है लाल हो गया है मतलब थोड़ा दिख रहा है तो मैंने दो एक टाइम में ले लिया मतलब दोनों डोज एक टाइम में ले लिया है ऐसा आजकल डोज आ गया है कि दोनों एक साथ में रह सकते हो एक तो ट्वेंट होते उधर ही लगा है उधर ही तो पहले क्यों नहीं बोला मुझे लगा आपको पता होगा तो प्रेस क्यों करना है तो आप बोल रहे हो कि बहुत जोर से आइस लगाना है ना आइस लगाना नहीं लगाना है मुझे क्या पता आप गए थे आपको पूछना चाहिए था माँ पूछना मैं भूल गई ओ मैंने वीडियो भी नहीं देखा है कैसे शूटिंग हुआ है सब वीडियो भी देखना है तुमको और मैं कैसे एक्सपीरियंस कैसे लूंगी ब्लॉगिंग का यही फायदा है बाद में आप खोल कर देख सकते हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो अभी वो वीडियो देखेगी फ्रेंड्स कि मैंने किधर लगाई हूँ और वीडियो करके आई हूँ वैक्सीनेशन लेकर आई किधर लगा किधर लगाया देखो ट्राई टू फाइंड वेयर इंजेक्शन अच्छे से देखो दैट इट वुड हैव बिकम रेड कलर ओके यहाँ पे सी इवन शी इज टेलिंग मी सच में वहाँ पे लग गया है सत्य का तुझे एक और दे देखो ए दे हाँ अभी क्या करें अभी खाना चाहता है हंस रहा है मतलब डाल कुछ खा रहा है पापा कभी झूठ नहीं बोल पाते मम्मी कर लेगी लेकिन पापा नहीं कर पाएंगे कुछ भी नहीं झूठ बोल रही हूँ झूठ क्या बोलना है अभी मैं पापा को पूछूंगी तो सब निकल आएगा एकदम से ऐसे ऐसे कुछ बोल दीजिए other hospital on a renowned hospital just like Apollo Manipal other hospital go there we'll take the there is a vaccine. We have a trust on that kind of hospital so I'm actually return to our home with our vaccination so mere kahin ki koi nahi first time the prank वही मैं सोचू मम्मी आके ही पूरा कहानी विस्तार भाव से बता दिया आज क्यों कुछ नहीं बताया और इतना फिट एंड फाइन में रहती वही टाइम इन हर लाइफ फिर जाके फिर से आ गए मेरे मतलब यू आर अ फास्ट पर्सन कैन कुंडली कुंडली में नहीं है कि इफ यू वांट वी कैन ओपन फॉर यू ओपन फॉर सर डर लगेगा कि नहीं लगेगा कोवैक्सिन इसलिए मैं नहीं लगाया मतलब मेरे कुंडली में देना ही नहीं है वैक्सीन लेना ही नहीं सर लेना ही नहीं है
मेरा जो है कुंडली ऐसा है कि हमने बुक सब किया, पूरा प्री प्लान करके गया, फिर भी नहीं हुआ, तो बोलो वो क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैंक में यो भी ब्रुबुन भी पूछ के गया कि कितना दिन दर्द रहेगा। मैंने आज भी नहीं लिया, मतलब मुझे इतना हंसी आ रही थी जाके उसके उधर पहुंच के, मतलब वो भी बोल दिया है कि नहीं लेना है, मैं बहुत ही मन की मन खुश हो गई। वही मैं सोचूं मम्मी क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्यों वीडियो नहीं आके 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 मुझे फीवर आया हो नहीं आया हो, मैं खाना तो नहीं बनाती। ऐसे ही सो जाती। अगर एक बहाना है तो मम्मी फिर भी कैसे बना रही है, वो तो वैसे भी बोल मुझे। चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि कल पूजा है, ये जो व्रत हम करते हैं ना उसका पूजा है। मुझे याद नहीं था, मतलब याद था, मैं भूल गई थी कि बुक तो पहले हो गया था, पर बाद में पता चला कि पूजा है कल, तो मैं सोचा बुक हो गया तो क्या करना है, लेकर आ जाएंगे फिर देखते हैं, फीवर नहीं आया तो पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वैक्सीन ही नहीं हुआ, तो पूजा अच्छे से आराम से हो जाएगा कल, फिर परसों देने के लिए जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स चाय वाय सब कुछ हो गया है, देखिए ये छोटा सा कप मैंने मेरे लिए लेकर आई हूँ डीमार्ट से, और इन लोगों के लिए जूस का बड़ा बड़ा ग्लास लेकर आई हूँ, जाके लेकर आओ, देखना है दिखाना है, नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी, ठीक है। वो सोई हुई है, मैं वैक्सीन नहीं हुई हूँ, मैं सब सोने वाली थी, मम्मी बोले चलो चलो जल्दी तैयार हो जाए, उड़ो बाहर जाना है। बाहर थोड़े देर के लिए पूजा का सामान कुछ लेना था, वो वैक्सीन के चक्कर में सब कुछ भूल गई और नहीं लेकर आ पाई, फिर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में वो जो कुछ करूंगी बाद में दिखाई दिया जाएगा, बाद में दिखाई दिया जाएगा, दिखा दूंगी। और मैं जा रही हूँ अभी बाहर, देखिए कितना छोटा सा कप है, क्योंकि मैं छोटी मतलब थोड़ी सी चाय पीती हूँ, इसीलिए छोटा सा कप लेकर आई हूँ। कभी कभी छोटा मोटा चीज बहुत ही अच्छा लगता है, जो सिर्फ 20 रुपीज है। बहुत अच्छा, जो थोड़ा थोड़ा चाय पीती है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा है कप, और सुंदर भी दिखती है ना कांच का कप से जब चाय पीते है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ बाहर और फिर मिलेंगे। गुडू का प्रैंक कैसे लगा? I felt it so bad. First time in my life I got prank so bad. बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि मामा आज वैक्सीन लेगी, फीवर आ जाएगा, सब क्या कुछ सोच के रखी थी। मैंने तो पैरासिटामोल वो निकाल के ग्लास में पानी और पैरासिटामोल निकाल के रखी। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं क्या होता है। कल फिर से जा रहे हो? हाँ मैं सोच रही हूँ जाऊंगी, कल तो मैं वीडियो कॉल करके देखूंगी वैक्सीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखती हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्माइल विद सस्मिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। तो चलो जल्दी जल्दी से था प्रिंट आउट अब भी सो, जब मैं जाती हूँ उसका प्रिंट आउट का रहता है कुछ ना कुछ। और तो कल का दो प्लेट भी लाना है, मेरा साइंस का प्रोजेक्ट है, मैं क्या करूँ उसमें, मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना। अभी मैं नहीं जाती तो? नहीं जाती तो फिर मैं ऐसे धक्का मार के लेकर जाती। सुबह जाए गई थी उधर प्रिंट आउट लेकर गए, तभी बोलना था ना। चलो चलो जल्दी मैं सोच, चलो बाय 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 फ्रेंड्स।